हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बुलबुल, कहाँ जा रही है तू? यार, अनन्या को गए हुए 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आई। आई हैव टू लुक फॉर हर। बुलबुल, ये तेरे फेस और कपड़ों पे ब्लड कैसे लगा? मुझे नहीं पता, मैंने अनन्या को ढूंढ आई थी, फ्लोर पे तेरे ब्लड पड़ा हुआ था, मैं फिसल गई थी। ये क्या है? खून, इतना सारा खून ये कहाँ से? तेरे कपड़े और चेहरे पे क्यों खून है? क्या किया तूने? मैं मेरे कुछ नहीं किया है। तो इतना सारा खून कहाँ से आया? चलो यहाँ से, चलो साथ में चलेंगे। चल भाई, चल चल चल, तू भी चल, तू भी चल, चल आ जा। मिष्टी की वजह से इतना ठाट है तुम्हारा? पूरा शहर में इतना नाम है, इज्जतदार लोगों में गिनती होता है, और ये तेरा हुलिया देख के कोई पूछेगा कि बासु मिठाई वाले का इकलौता वारिसी है तो क्या बोलेगा हम? बाबा, जितना ध्यान आप मुझ पे देते हो ना, उस हिसाब से तो आई डाउट कि आपको पता भी चलेगा कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। एंड ऑल्सो, कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि आपको याद भी है कि आपकी बेटी है। अच्छा, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक दुकान पे आ जा 2-4 घंटे के लिए, देख और सीख अपना फैमिली बिजनेस, तब तेरे को मालूम पड़ेगा ये सब फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, समझे? ठीक है, चलती हूँ, बाय। Looking hot, babe. Thank you. वैसे कोलकाता की गर्मी तूने बढ़ा रखी है। I know. चल जल्दी, लेट हो रहा है। चल। Bro, पार्टी कंफर्म है ना? Of course कंफर्म है। आज रात को 9 बजे संयुक्ता की बिल्डिंग के कन्वेंशन हॉल पे। बस मेन्यू डिसाइड करना बाकी है। Hi Bulbul. Hi Ananya. Hi संयुक्ता. What happened? तुम ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ी हुई हो? See, don't tell me कि तुम्हारी बिल्डिंग वालों ने परमिशन नहीं दी पार्टी के लिए। अनन्या, परमिशन तो मिल गई यार, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आ रहा यार। बॉयफ्रेंड? Don't worry babe, मैंने ना अपने 3 सीनियर्स को ऑलरेडी इनवाइट कर लिया। तुझे याद है वो 3 बंदे जिन्होंने हमारी रैगिंग ली थी कॉलेज के फर्स्ट डे पे? अमरीश, राहुल एंड वरुण, वो तीनों आ रहे हैं। Bro, वो तो बहुत हॉट है। आई नो। अनन्या, थैंक यू सो मच तूने मुझे अपने ग्रुप में लिया। Literally, इस 1 महीने में मैंने जितने मजे किए ना, अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं किए। ये तो कुछ नहीं है ब्रो, आगे आगे देख हम कितने मजे कर रहे हैं। मजा सजा हो गया दादा, मर्दी का काम तो कर रहा हूँ लेकिन जेब बिल्कुल खाली है। कुछ पैसे मिल जाते तो मैं आपको अगले। नहीं नहीं, रीजन देने का जरूरत नहीं है, ये हमारा फैमिली बिजनेस है, इसमें सबका हक है। आप देता हूँ। थैंक यू दादा। सुनिए ना, बाबा को भी कुछ पैसों की जरूरत है, जो दीते पारो तो। अभी 2 लाख दिया था ना, देखो वो लोग का आदत मत बिगाड़ो तुम, अपना भरोसा पे जीने का आदत होना चाहिए। लेकिन ऋषभ, बाबा बीमार है, उनके इलाज के लिए जो भी खर्चा होगा हम दे देगा बिल। अभी जाओ तुम, काम देखो, पैकिंग हुआ कि नहीं, पैकिंग करवाओ।
अरे अनन्या तू यहाँ कुछ खाबी? नहीं माँ कुछ नहीं खाना है, मैं यहाँ काम से आई हूँ। बाबा कहाँ है? बाबा 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 मुझे ना फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है तो कुछ पैसे चाहिए। अरे इतना सुनने का टाइम नहीं है, बहुत काम है, ये ले तेरा पैसा निकाल के रखा। थैंक यू सो मच। अशोक बिल्कुल भी लेट मत करना, टाइम पे घर आ जाना, ठीक है? हे मां चले आज में। ओ शिट ये क्या हो गया? पुलिस को कॉल लगाते हैं यार। नहीं 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 पागल हो गए क्या? पुलिस को मत कॉल कर। तुम लोगों ने क्या ना कुछ कहा है नन्या? हां कहा है नन्या? हमें क्या बताऊं, तो यहां भी देना फोन। अरे ने को फोन आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। अनन्या का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या क्यों लो क्यों लो? वासु मिठाई वाले के ओनर, हमने आपको फोन किया था। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, हमारी बेटी यहाँ पे पार्टी करने के लिए आई थी। हाँ सर। बुलबुल तुमने बताया था कि तुम अनन्या को ढूंढने गई थी, तो तुम्हारे कपड़ों पे ब्लड कैसे लगा? सर जब मैं अनन्या को ढूंढने गई तो मैं लॉबी में फिसल गई थी, वहाँ लॉबी में इतना सारा खून पड़ा था सर, वहीं से ये लगा है। What? नींद में नहीं, सब कुछ होश में क्या है तूने? ओवर स्मार्ट बन रहा है हाँ? अमित लेके चलो इसको और फोरेंसिक को बुलाओ, उनसे सैंपल कलेक्ट करने के लिए बोलो। मैंने कुछ नहीं किया, हमें किसी को गोली नहीं सर, हमें किसी को गोली नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर कल रात को हम लोग यहीं पार्टी कर रहे थे। अनन्या का झगड़ा हुआ था किसी के साथ? नहीं सर। तो फिर ऐसे पार्टी छोड़ के कहाँ चली गई? दो घंटे से फोन लगा रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है, बैटरी ऑफ हो गई होगी। मोनी मोनी घबराओ मत, तुम अपना किसी दोस्त के घर में चला के आओ, आ जाएगा वो ना? हाँ घबराओ नहीं, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। सर हमने बिल्डिंग में रहने वाले बाकी लोगों को भी कॉर्डन ऑफ करके पूरी बिल्डिंग सील कर दी है और बिल्डिंग का पूरा एरिया भी चेक कर लिया है। पार्टी में जितने भी लड़के लड़कियां थे सबको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाओ। सर सर अनन्या ने बहुत पी रखी थी, बहुत अपसेट भी थी वो। अपसेट क्यों थी वो? पता नहीं सर, उसने बताया नहीं। अच्छा उसके बाहर जाने के बाद तुमने कोई आवाज, कोई शोर, कोई चीख सुनी थी? नहीं सर। पार्टी में सात लोग थे सर, पहली बुलबुल जिसके बाप का कार का शोरूम है, दूसरी अनन्या, वासु मिठाई वाले की इकलौती बेटी, तीसरी थी संयुक्ता जो उसी बिल्डिंग के उसी फ्लोर पर 4 BHK में अपने माँ बाप के साथ रहती थी, माँ हाउस वाइफ है और फादर सिविक बॉडी के ऑफिसर, इसीलिए उन बच्चों ने उसी बिल्डिंग में अपनी पार्टी प्लान की। इनके अलावा जो 4 लड़के हैं वो भी शहर की रिच फैमिली से हैं। बिल्डिंग के CCTV से कुछ मिला? सर एंट्रेंस की CCTV में तो कोई भी अनजान इंसान आता जाता नहीं दिखा और ना ही अनन्या कहीं नजर आई, और बिल्डिंग के बैक साइड में तो कोई CCTV है ही नहीं, तो वहाँ क्या हुआ कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा क्या हुआ कि अचानक लड़की हवा में गायब हो गई? ना किसी ने कुछ देखा, ना किसी ने कुछ सुना, बस लॉबी में ढेर सारा ब्लड। ये लॉबी में जो ब्लड मिला था उसके सैंपल कब तक आ रहे हैं? नहीं सर अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगी। अगर ये लड़की अपनी मर्जी से कहीं गई तो पॉसिबल है ज़्यादा दूर पहुंची नहीं होगी, लेकिन ये लड़की गई क्यों, कहाँ गई? इस लड़की की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा तो नहीं है? सर सर प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ दो सर, सर प्लीज। आ जाएगा वो मोनी, आ जाएगा, ये सब अपना जिद मनाने का उसका चाल है, उसको मालूम है उसका बाप पैसा वाला है,
उसको बहुत प्यार करता है, उसका सब बात मानेगा, समझा? उसको उसको जर्मनी कार चाहिए था ना, अगला हफ्ते लेंगे, और जब वो आएगा एकदम सरप्राइज गिफ्ट के देंगे, ठीक है? अच्छे, आपने अनन्या को आखिरी बार कब देखा था? कल शाम को जब हमारा शॉप में आया था पार्टी का पैसा लेने के लिए। बाबा मुझे ना फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है तो कुछ पैसे चाहिए। अरे इतना सुनने का टाइम नहीं है, बहुत काम है, ये ले। और अनन्या किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर परेशान थी क्या? उसका पास सब कुछ है, वो तो उल्टा खुश रहने वाला लड़की है, परेशानी उसको छू भी नहीं सकता है। बच्ची है इसीलिए पूछ रहा हूँ। क्या है ना, आजकल बच्चे छोटी छोटी चीजों को दिल पर ले लेते हैं। घर में किसी तरह की कोई अनबन? एकदम नहीं, हमारा फैमिली पूरा कोलकाता का एक इज्जतदार फैमिली में से है। कौन कौन है आपकी फैमिली में? अनन्या, हम हैं, हमारा पत्नी है, हमारा वो जो भाई गया है केस्टो, उसका पत्नी, और कौन? देखिए ये वक्त नहीं है कुछ भी छुपाने का, आपकी बच्ची की जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए कुछ छुपाइएगा नहीं, जो भी सच है बताइए। और कौन? हमारा एक भाई और है, हमसे छोटा और केस्टो से बड़ा, निर्भय, लेकिन जब से वो रशियन नशेड़ी लड़की से शादी कर लिया हमारा साथ नहीं रहता है, हमारा एकदम बातचीत बंद है। कहाँ रहता है वो? एग्जैक्ट तो मालूम नहीं, लेकिन साउथ कलकत्ता में कहीं रहता है। निर्भय की जो भी डिटेल्स हैं वो चाहिएंगे हमें, और अनन्या को लेकर कुछ भी आप लोगों को याद आता है कुछ भी तो हमसे छुपाना मत। ठीक है। ये कॉलेज के बच्चे कल रात की पार्टी के बारे में कुछ नहीं, बहुत कुछ छुपा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये नॉर्मल सा दिखने की कोशिश करेंगे और हम मान जाएंगे। लग रहा है कि हमें घुमाएंगे और हम घूम जाएंगे। हो सकता है इन सबने मिलकर कोई गेम किया हो, या फिर इनमें से कोई एक, जो भी है उस तक हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लगेगा अनन्या के लिए पॉसिबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। राइट सर, क्योंकि अनन्या की लास्ट लोकेशन भी वही बिल्डिंग है जहां पर पार्टी थी, उसके बाद से उसका फोन भी बंद है। अमित, अनन्या के सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो। आजकल के बच्चे दो तरह की जिंदगी जीते हैं, एक नॉर्मल और एक सोशल मीडिया, जहां से इनके बारे में सारी जानकारी मिल जाती। लड़की अचानक गायब होकर गुवाहाटी चली गई, फोन क्यों नहीं उठा रही है? सर अनन्या सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, डेली के 3-4 पोस्ट डालती है, पर ये कल के पहली पोस्ट है उसकी। लाइफ दिल खोल के जियो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि जो तुम दूसरों को दे रहे हो वो एक दिन पलटकर तुम्हें भी मिलेगा, इंक्लूडिंग घोस्टिंग। घोस्टिंग? घोस्टिंग मतलब जैसे तुम किसी को मैसेज करो और वो जानबूझ के उसे अनदेखा करे, मैसेज का रिप्लाई ना करे, बेसिकली इग्नोर करना, अनदेखा करना। ये अनन्या के पोस्ट का आईपी एड्रेस ट्रेस करो। ओके। घोस्टिंग, इग्नोरेंस, जब लोग आपको देख सुन करके भी आपको अनदेखा कर दें, एंड आई एम श्योर कि हर बच्चे ने ये फेस किया होगा, और ये सब करते हैं, फैमिली, पेरेंट्स, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स, सब। तो अगर आपको भी खुद को घोस्टिंग से सेव करना है तो मेरी एक फ्री की एडवाइस ले लो, लव योर सेल्फ, बी हैप्पी, लिव योर लाइफ, उसके बाद देखना ये घोस्टिंग ना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लव यू। अनन्या का वीडियो देखकर ऐसे लगा जैसे तुम बेस्ट फ्रेंड हो उसके, काफी क्लोज हो उसके। यस सर। फिर तो तुम्हें ये पता होगा कि वो किस बात को लेकर परेशान थी, या फिर उसको कौन परेशान कर रहा था। सर हमारे ग्रुप में एक लड़का था जो अनन्या को पसंद करता था, पर अनन्या उसे इग्नोर करती थी। उसने अनन्या को मैसेज किया था कि वो सुसाइड कर लेगा। यार ये जॉय भी ना बहुत इरिटेट कर रहा है। आई डोंट वांट टू घोस्ट हिम बिकॉज मुझे पता है जब कोई घोस्ट करता है, इग्नोर करता है तो कैसा फील होता है, पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। तुझे तो पता है ना हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो साफ साफ बोल देना उसे। और कैसे करूँ यार, ये देख मोबाइल देख, हर मैसेज में मैंने यही लिखा है, आई डोंट लव यू, नहीं करती तेरे से प्यार, नहीं रह सकती तेरे साथ, समझ ही नहीं आता उसे। जॉय जो पार्टी में भी था। यस सर, उसने पार्टी में भी अनन्या को साथ में बाहर चलने के लिए बोला था, पर उसने मना कर दिया। क्यों? अनन्या का कोई और बॉयफ्रेंड है? सर अनन्या का एक नहीं, बहुत सारे एक्स है। अच्छा, हमें उन सब लड़कों के नाम और नंबर्स चाहिए
जिनके साथ अनन्या की कैजुअल रिलेशनशिप रही है, ओके? शोभा। ऋषभ, ऋषभ, अनन्या ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, वो अभी गुवाहाटी में है। देखा, अमी बोली शिलम ना, वो कार चाहिए था उसको, इसलिए उसने सब ड्रामा किया। सर, सीढ़ियों पे जो ब्लड मिला था, इस ब्लड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो ब्लड किसी इंसान का है। हम अनन्या के पेरेंट्स से डीएनए मैच कर रहे हैं सर, बहुत जल्द उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। अगर अनन्या गुवाहाटी में है तो फिर वो खून किसका है? क्योंकि कुछ तो हुआ है लॉबी में, क्यों और किसके साथ? तो आज मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाऊंगी, चलो आ जाओ। ये है मेरी मॉम। मम्मा हाय बोलो। हाय। और वो है मेरे केशतो काका। काका से हाय। आ जाओ और लोगों से मिलवाती हूँ। ओह काकी, ये है मेरी सुपर हॉट काकी। हॉट है ना, देखो। काकी से हाय। हाय। ओके काकी, टेल मी कि आप कितना अर्न कर लेते हो? व्हाट, मतलब आप कितना कमा लेते हो ये बताना है। अनन्या प्लीज। अरे अरे, अच्छा ठीक है, चलो अब ये बता दो कि काका के अलावा आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हो? हाँ बताओ। अनन्या बंद करो अपनी बदतमीजी, हर चीज सोशल मीडिया के लिए नहीं होती। ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि आपने अनन्या पर हाथ उठाया? उसने उस दिन अपनी हद पार कर दी थी। I'm so sorry, मैंने आपको अनकंफर्टेबल कर दिया ना? अनन्या अपनी हद में रहा करो। हद? हद की बातें आप कर रहे हो? Really? हाँ, मैं कर रही हूँ। सुन लिया? अब जाओ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, चली जाऊंगी, जल्दी क्या है। पर आप मुझे ये बताओ कि काका तो आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन आप ऐसे रोज सज धज के रेडी होके एकदम टिप टॉप होके किससे मिलते हो? किसके साथ? अनन्या, शट अप यू। ऑफिसर, आई एम लॉयल टू माय हस्बैंड एंड आई लव हिम अ लॉट, और अनन्या जैसी मैं दोहरी जिंदगी नहीं जीती हूँ, सो प्लीज। वैसे कुछ पता चला आपको कहाँ है वो गुवाहाटी में? जिस लैपटॉप से पोस्ट किया गया था उसका आईपी एड्रेस ढूंढ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, सबसे पहले हम आप ही को बताएंगे। गंदगी निकाल के बाहर फेंक दूंगी, तो कल से एवरी डे इज अ ट्रूथ डे। पार्टी शुरू हुई 9 बजे और अनन्या ने ये पोस्ट डाली थी 8:45 PM को। खुश है, रिजोल्यूशन ले रही है, पार्टी कर रही है, फिर 5 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि वो बिना किसी को कुछ बताए गुवाहाटी चली गई, जहां उसका नामो निशान नहीं मिल रहा है? कोई तो है जो खेल खेल रहा है, कौन हो सकता है वो? मैं कमी साहब। सर, अनन्या के कॉल डिटेल्स आए, डिटेल्स के मुताबिक अनन्या ने रात को 9 बजे 4 लोगों को मैसेज किया था, ऋषभ, मौनी, केष्टो और अनम को। इन मिठाई वालों की मिठाई में ना सेंध है, कोई एक नहीं, सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। अनन्या ने उस रात इन 4 लोगों को मैसेज किया था, लेकिन किसी ने हमसे कुछ नहीं बताया। पूरे कुएं में भांग मिली हुई है। अपना मोबाइल बताइए, मुझे वो मैसेज चेक करना है जो उस रात 9 बजे अनन्या ने आपको भेजा था। अनम काकी, थोड़ी देर के लिए पार्टी में आ सकते हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो गई थी आप पार्टी में? नहीं, मुझे पता था कि वो फिर से कोई बकवास करेगी। अनन्या अपने लास्ट वीडियो में सच, झूठ, दिखावा, फैमिली की गंदगी, ये सब बाहर लाने की बात कर रही थी। क्या बताना चाह रही थी वो? मुझे नहीं पता ऑफिसर। आपका और आपकी वाइफ का रिलेशन कैसा चल रहा है? मैं कुछ समझा नहीं, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? खैर छोड़ो, पार्टी वाली रात अनन्या ने मैसेज किया था, ये बात आपने हमसे बताई क्यों? अब वो मुझे ध्यान नहीं था,
उसने मैसेज में क्या लिखा था ये तो नहीं भूले होंगे ना, ये तो याद होगा। हाँ, अनन्या ने मुझे मैसेज में ये लिखा था कि उसने मुझे पार्टी में बुलाया है। और जैसा कि आपकी वाइफ ने किया, आप नहीं गए? ना ना, हम ही गए छिला। व्हाट, कितने बजे की बात है? लगभग 11:30 बजे के आसपास। तो अनन्या ने ड्रिंक्स के लिए आपको फोर्स किया? हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, एकदम फ्रेंड जैसे। वो मुझसे सब कुछ शेयर करती थी। सब कुछ? सब जैसे? जैसे कि वो किसी को पसंद करती थी। शी लव्ड समवन। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अनन्या किसी को डेट कर रही थी? किसे? किसे तो पता नहीं, पर मुझे इतना समझ में आया था कि उसकी फीलिंग वन साइडेड है। ओहो, पोएट्री शोएट्री। अब हमारी अनन्या बासु पोएट भी बन गई है, किसी के प्यार में पागल हो रही है। एक तरफा वन साइडेड लव, आप नहीं समझोगे, लाओ दो। ये वीडियो 1 महीने पुराना है, जब वो डिप्रेशन में थी। अच्छा, कि किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर रही थी क्या? हो सकता है वहां से कोई क्लू मिल जाए। नहीं सर, उसके कॉल रिकॉर्ड में तो कोई ऐसा नंबर नहीं मिला। अच्छा, अनन्या इस वीडियो में किस रिवर्स रैंकिंग की बात कर रहे हैं? सर, फर्स्ट ईयर में एडमिशन के बाद जब हम कॉलेज गए थे तो इन 3 सीनियर वरुण, अमरीश और राहुल ने हमारी रैंकिंग की थी। नया ईयर नया बैच। वैसे हम सीनियर्स के लिए क्या कर सकती हो भाई? सीनियर्स हैं हम, पूछने का नहीं करवाने का। एग्जैक्टली माय बॉय। एक काम कर, सबको एक एक महीने के लिए असिस्टेंट रख लेते हैं। देखो, रैगिंग बैन है, हम तुम लोगों की कंप्लेन कर सकते हैं। ओह भाई साहब, मैं तो डर गया यार, माफ करना यार, आपसे माफी मांगता हूं। और बताओ और क्या करना है? हाँ बोलो ना, क्या हुआ? अच्छा एक सेकेंड, ये पकड़ना। हाँ करो ना, क्या करना है? क्या हुआ, फट गई? हाँ सीनियर्स की फट गई। देखा, फट टू सीनियर्स। उसके बाद हमारी फ्रेंडशिप हो गई, हमारा एक ग्रुप बन गया कॉलेज में, और कॉलेज के बाहर हम लोग साथ में हैंग आउट करने लगे थे। अच्छा, अब ये हाथ पे जो चोट है ये पार्टी में लगी थी? सर वो, अब तुम बताओगी या फिर हम पता करें? देखो, हम पता करेंगे तो तुम बुरी तरह से फंसोगी, सोच लो। सर वो पार्टी में वरुण, अमरीश और राहुल पार्टी एंजॉय करने नहीं बल्कि किसी और ही मोटिव से आए थे। अनन्या की ब्लड रिपोर्ट आ गई है, लोबी में जो ब्लड था वो अनन्या का ही था। हो गई रिवेंज रैगिंग? हो गई? अब जल्दी बोलो, क्या किया उसके साथ, कहाँ है उसकी बॉडी? सर हमने कुछ नहीं किया सर, अनन्या ने जिस तरीके से रिएक्ट किया था ना सर, उसके बाद हमारा गुस्सा भी शांत हो गया था सर। पर वैसे भी अनन्या इतनी फियरलेस थी कि मैंने सोचा अगर मैं कुछ करूँगा तो लेने के देने पड़ जाएगी सर। सर रात के 2 बजे तक हम सब साथ में ही थे, पहले बुलबुल और फिर संयुक्ता से ढूंढने गए थे, हम तो बाद में उनके पीछे गए थे। ये क्या है? सर अगर आप चाहें ना तो आप अनन्या के पापा से पूछ लो, रिवेंज लेने के बाद वो वहाँ आए थे सर, तब वो बिल्कुल ठीक थी सर। व्हाट, ऋषभ बासु आया था वहाँ? यस सर, 12:15 के आसपास उसके पापा को कॉल आया था। ऐसी क्या बात थी जो बेटी की जान से बढ़कर है आपके लिए, जिसे बताने के बजाय आपने छुपाना बेहतर समझा? 4 दिन हो गए आपकी बेटी को गायब हुए, और फ्लोर पर जितना खून मिला ना उसे यही लग रहा है शायद वो मर भी गई हो, लेकिन फिर भी आपने झूठ बोला हमसे कि वो उस दिन शाम को मिली थी आपसे दुकान पर। क्यों? क्योंकि जो बात बताने के लिए मैसेज करके उसने हमको वहां बुलाया था वो बात एकदम बेसलेस था। क्या बात थी? बाबा मैं ना आपसे और अपने पूरे परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत, लेकिन मैं कुछ ठीक नहीं हूँ, शायद इसीलिए मैं ये दारू पीती हूँ, ड्रग्स लेती हूँ। पर बाबा मैं फेक नहीं हूँ, मैं जैसी हूँ ऐसी हूँ, एकदम रियल हूँ। अब अगर आप मुझे ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना तो ठीक है, मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। बेटा क्या बोल रहे तुम? हम सोचा कि कुछ नया बोलेगा, ये हमको सब मालूम है, अभी तुम टेंशन मत लो, पार्टी करो, कल हम अपना गुरुजी के पास ले जाएगा तुमको, तुम एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है, जा पार्टी करो। सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया था उसने? हाँ, और वो एकदम ठीक है, जल्दी वापस आ जाएगा। हम आपको बोला था अपना जिद मनाने के लिए वो सब ड्रामा कर रहा है, वही बात था।
सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये शौक में है या ऐसे अपनी बेटी की कुछ पड़ी नहीं है। कोई स्ट्रेस ही नहीं है सर कि बेटी कहाँ है, जिंदा भी है कि मर गई। इतना तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर समझ में आ रहा है कि इस बार भी इसने हमें पूरा सच नहीं बताया। सर अनन्या का फोन हावड़ा डंप यार्ड के पास ऑन हुआ है। किसी भिखारी ने मात्र 100 रुपये में वो फोन किसी मोबाइल रिपेयर वाले को दिया था, और सर अनन्या का सिम अभी भी मोबाइल में चालू है। फोन रिकवर करो जल्दी। सर हाय गाइस, तो आज मैं आपको अपना होम टूर कराने वाली हूँ, चलिए आ जाइए। कर रहे हैं? बता दिया था ना अनन्या ने तुम लोगों को कि उसे पता चल गया तुम दोनों के अफेयर के बारे में। इसने पहले उसे गायब करने का नाटक किया, फिर मार के ठिकाने लगा दिया। हमारा बेटी है वो, हम उसका बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। वो अलग बात है कि हाँ, हमारा अफेयर के बारे में उसको मालूम पड़ गया था, वो बोला था हमको, लेकिन मारा नहीं उसको हमने। बाबा आप माँ को चीट कर रहे, वो भी अनम काकी के साथ। माँ आपसे कितना प्यार करती है और आप। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आप माँ से अब प्यार नहीं करती, तो डाइवोर्स दे दो ना उनको, फ्री कर दो उनको, हो सकता है उनको कोई बेटर मिल जाए आपसे। अनन्या, तुम्हारा बाबा हूँ मैं, तुम्हारा हर बात झेला, तुम्हारा हर बात सुना, इसका मतलब नहीं हमारा सामना बकवास करोगी तुम। और बासु खानदान में आज तक डाइवोर्स नहीं हुआ है, समझी? हाँ, तो ठीक है, तो आप भी मेरी बात एक सुन लो। मैं माँ से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनको ऐसे सफर होते हुए नहीं देख सकती। कौन कर सकता है अनन्या के साथ ऐसा? किसी पर शक है आपको? जानी ना, बस इतना पता होगा कि उसे कभी सुकून, कभी प्यार मिला ही नहीं जो उसे मिलना चाहिए था। मैं सोशल मीडिया पे जाके उसके एक एक पोस्ट, एक एक वीडियो देखा, तब मुझे पता चला कि उसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद चाहिए था, घर से नहीं मिली तो बाहर से। अच्छा मैम, हमें पता चला अनन्या किसी लड़के से प्यार करती थी, आपको कुछ पता है इस बारे में? कुछ बता सकती हैं आप हमें? पता नहीं, किच्चू जानी ना मैं अपनी बेटी के बारे में किच्चू जानी ना। जब कोई आपको दिल से चाहता है और आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्शन का दर्द फिर समझ में आता है। जब आप किसी को दिल से चाहें और आपको वो रिजेक्ट कर दे। जॉय का कमेंट। आई होप कि अब तुम्हें मेरा पेन समझ में आ रहा होगा। जॉय भी तो था पार्टी में, यहाँ एक दिल जले आशिक की तरह कमेंट कर रहा है, और जब हमने इससे पूछा था तब इसने नहीं बताया कि इसके और अनन्या के बीच में क्या चल रहा है। हर बार झूठ बोल रहा है, क्राइम सीन पे था ये। अमित एक काम करो, इसके फिंगरप्रिंट्स लो, मैच करो और केस क्लोज करो, बॉडी को मॉर्ग से लेकर फैमिली को दे दो। ओके सर, सर 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 मैं बताता हूँ सर, सब कुछ सच सच बताता हूँ सर। चल अब शुरू से शुरू हो जाओ। 3 महीने पहले मैं, अनन्या और बुलबुल पार्टी में गए थे, और वहां से जब लौट रहे थे तब अनन्या घर आ गया। चलो बाय बाय। बोले जब बुलबुल ने तुझे लात मार दी तो तू फिर अनन्या के पीछे पड़ गया। सर मैं पीछे नहीं पड़ा सर, सर मैं तो प्यार करता था उससे। अनन्या जो उस दिन हमारे बीच में हुआ यार, वो होना ही था यार, वो खाली कॉन्सिडेंस नहीं था। जो यार अंडरस्टैंड, पर तू भी समझ यार, मुझे तेरे लिए फीलिंग्स ही नहीं है। देख अब जो होना था ना वो हो गया, पर उसे हम चेंज नहीं कर सकते, पर आ गया अब और कुछ नहीं हो सकता, तू समझ रहा है? उसने समझाया था तुझे, पर तू समझा नहीं।
तूने उस रात फिर उस पर ट्राई किया और जब उसने रिएक्ट किया तो इस बात का तूने उससे बदला ले लिया। सर मैं प्रपोज करने ही वाला था उसे। सर पहले उस सीनियर्स ने उसे हरेस किया, उसके बाद सर मुझे मौका ही नहीं मिला। सर अमित अनन्या की बॉडी हमें जल्द से जल्द ढूंढनी होगी, क्योंकि ये गुवाहाटी खड़गपुर सब फेक है। लॉबी में जितना खून बहा ना उससे बहुत कम चांसेस हैं कि अनन्या जिंदा हो। The best uncle, I'm so glad I met you. निर्भय बासु, ऋषभ का दूसरा भाई। अनन्या तुमसे मिलने आई थी। हाँ, एक महीने पहले। उसका बाप तुमसे कोई वास्ता नहीं रखता, जायदाद से बेदखल कर देता है और बेटी मिलने आती है, क्यों? साहब, उस भले दिल की लड़की को ना उसके दोगले बाप से कंपेयर मत कीजिए। एक तक तो ऋषभ दादा मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देते क्योंकि मैंने विदेशी लड़की से शादी की, और दूसरी तरफ वो कैस्टो, उसने भी तो वनम से शादी की, वो भी तो दूसरे धर्म की है, उसकी शादी को तो एक्सेप्ट कर लिया। वैसे ये फोटो एक महीने पुरानी है, जब वो फैमिली की हिस्ट्री जानने के लिए मेरे घर आई थी। दादाजी के तीन बेटे हैं, आप, बाबा और केशतो काका। लेकिन मैंने माँ बाबा को एक बार बात करते हुए सुना था, केशतो काका बासु परिवार के प्योर ब्लड नहीं है। देख बेटा, अब तू बड़ी हो गई है, तुझे ये सब बताया जा सकता है, पर ये फैमिली का सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं। हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मुझे तो बताओ। हम लोग जब बहुत छोटे थे तब बाबा गांव से एक लड़की को लेकर आए थे, थी तो उम्र में हम लोगों के बराबर ही, पर बाबा उसके प्यार में पड़ गए। और केशतो काका उनके बेटे हैं। हाँ तो, हाँ बोलो सर। आप गार्बेज डंपिंग यार्ड आ सकते हैं, यहाँ पे कुछ मिला है। आइए सर। एक कूड़ा बिनने वाले को मिला, लाश को टुकड़ों में काटा गया। सर किसी यंग लड़की की लाश लग रही है, लगता है मर्डर हुए भी 4-5 दिन हो गए। सर अनन्या को गायब हुए भी 5 दिन हो गए, और इसकी कद काठी भी अनन्या से बिल्कुल मैच कर रही है। फैमिली को इन्फॉर्म करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर हमने पता किया तुम्हारे बारे में, तुम बिल्कुल वैसी लड़की हो जैसी लड़की हर परिवार चाहता है। तुम और अनन्या एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी हो, फिर दोस्त कैसे बन गए? आखिर एक महीने में ऐसा क्या हुआ कि तुम उसकी तरफ खिंची चली गई? क्या उससे दोस्ती करने के पीछे तुम्हारा कोई मोटिव था? नहीं नहीं सर, मेरा कोई मोटिव नहीं था, मोटिव उसका था। दोस्ती का हाथ पहले उसने मेरी तरफ बढ़ाया, मैंने उसकी तरफ नहीं बढ़ाया। मतलब ऐसा क्यों? सर यही तो मैं भी जानना चाहती थी। सर हिस्ट्री खोला तो पता चला ऋषभ बासु के बाप ने जिस मेड के साथ जो एफ आर चला था ना, वो कोलकाता में रहती है सर। कौन है, कहाँ रहती है कोलकाता में? आपसे बात करनी थी। हाँ हाँ सुन, पानी मिलेगा थोड़ा? जी। अजय सुन छो, जल नहीं आसो। सर क्या बात करना था? वैसे आपको पता तो चले गया होगा, आपकी लॉबी में जिस लड़की का ब्लड मिला था उसकी बॉडी मिल गई। हाँ हम सुना, हमारा बेटी का दोस्त था, बहुत बुरा लगा सुन के। आप म्यूनिसिपल ऑफिसर है ना? हाँ क्यों? काफी सीनियर है, किस डिपार्टमेंट में? सैनिटेशन। घर देख के लग भी रहे। नमिता जी। जी, नमिता नाम है उसका। ऋषभ बासु के बाप ने अजय सिंह गुप्ता के साथ म्यूनिसिपल ऑफिस में शादी करवाया था, और पैसा से खेलता है सर, बड़ा आदमी है, पॉलीपुरी में 4 BHK का फ्लैट है। बाहर मत आना बेटा, भीतर थाको। क्यों बोले बाबा? रोबीर तेरा भाई, मैं उसे प्यार करती हूँ, आई लव हिम। ओके तो ये बात है। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि आज मैं उसे प्रपोज करूँ। रोबीर,
जी। उस दिन जो पार्टी ऑन बेसिस पे आप हमसे पूछताछ करता है, हमारा बेटी आपको फुल कोऑपरेट किया, वारंट है आपके पास। देखो इंस्पेक्टर, हम भी ऑफिसर है और थोड़ा बहुत कानून तो हम भी जानता है। आवाज नीचे। और जिस तरह से घुमाया ना आपने हमें, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ जानते हैं आप। एक्चुअली गलती हमारी है, उस दिन हमने सब कुछ चेक किया सिर्फ एक चीज छोड़कर। साहब को बोल जल्दी से साइड में हो जाए, कैसे गाड़ी निकालनी है। जा, जा। साहब जरा साइड हो जाइए, कचरे की गाड़ी निकालनी है। उस दिन अगर हमने कचरे की थैली और कचरा उठाने वाली गाड़ी चेक कर ली होती तो शायद ये केस उसी दिन सॉल्व हो गया होता। और ये तो आपको हमसे बेहतर पता होगा कि बिल्डिंग के जिस स्वीपर ने उस दिन लॉबी का ब्लड साफ किया था वो भी सिविक बॉडी में पार्ट टाइम काम करता है। आपके उस आदमी ने मुंह खोल दिया है और जो वो कचरा उठाने वाली गाड़ी थी ना उससे भी अनन्या का ब्लड सैंपल मिल गया है। कानून की तो बहुत जानकारी है, अब आप बताएंगे कि क्यों मारा अनन्या को। तुम यहां इस वक्त? प्रवीर मुझे उससे मिलना है। तू प्रवीर से नहीं मिल सकती। नहीं नहीं प्रवीर प्रवीर से मिल नहीं सकती, भूल जाओ उसको, निकल जाओ इस घर से। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अफेयर मेरे दादाजी के साथ था इसलिए, या तुम मेरे काका की माँ हो इसलिए, हाँ? और इस नाजायज रिश्ते की वजह से प्रवीर भी मेरा काका लगेगा इसलिए। इन सब में मेरी क्या गलती थी? तुम लोग ने जो चाहा वो किया, पर तुम लोग की वजह से मैं जो चाहती वो नहीं कर सकती। क्यों अनन्या, प्लीज अंडरस्टैंड, हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकता है। अरे तुम ये तो सोचो कितना घिनौना रिश्ता लगेगा ये। घिनौना? रियली यार, घिनौना कैसे हो सकता है प्रवीर? सोचना तो मेरे दादाजी को चाहिए था ना, जिन्होंने अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ अफेयर किया। बस करो अपना ये गोंद फैलाना, ये शरीफ लोगों का घर है। निकलो, निकल जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ पर मत आना। चली जाऊंगी सबसे दूर, अब और किसी को परेशान नहीं करूंगी, और नहीं सह सकती मैं, और रिजेक्शन नहीं झेल सकती मैं। हम अपना म्युनिसिपल ऑफिसर होने का फायदा उठाया, वो लोग लाश को प्लास्टिक का बोरी में बांधा और कचरा वाला गाड़ी में रोक दिया। जब सुबह हुआ तो लोग ट्रक लेके चला गया, हम सब विंडो से देख रहा था। हमको लगा एक बार लाश चला जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, और उसके बाद हमें भटकाने के लिए उसके फोन से उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव रखा और उसके बाद उसकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया। ये सब हम अपना बच्चा लोग का जिंदगी बचाने के लिए किया, आखिर एक बाप कर ही क्या सकता है। हम खांसी जुखाम का इलाज तो करवा लेते हैं, लेकिन दिमागी बीमारी आज भी हमारे लिए बीमारी नहीं है। डिप्रेशन, जिसे हर दूसरा आदमी पीड़ित है, इलाज की जरूरत है। ज्यादातर केसेस में तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि वो दिमागी बीमारी के शिकार हैं, लेकिन निशानी दिखती है, साइन दिखते हैं, अगर कोई देखना केयर करना चाहे तो। अनन्या का सोशल मीडिया एडिक्शन, जरूरत से ज्यादा खुश दिखना, उसी की निशानी थी। जरूरत थी सही समय पर डॉक्टर्स की, केयर की, प्यार की, जो उसे नहीं मिला। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि किसी को या आपको खुद को जरूरत दिखे तो तुरंत स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की मदद लें, उनसे अपनी बात कहें। मदद मांगने में शर्माएं नहीं, उल्टा ही बहादुरी का काम। आपका यह कदम आपको, किसी और को होने वाली तकलीफ या अनहोनी से बचा सकता है। जय हिंद।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.